गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा जो कृषि जीव वो जीव विज्ञान है कक्षा 12, उसे जीव विज्ञान का जो हमारा पार्ट 3 है उसका हम पार्ट पढ़ रहे हैं 11। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? 11। देखो, पिछला जो पार्ट था उसमें आपने गलती से वहाँ पर 10 की जगह कितने लिख दिए थे? 9 नंबर। जबकि ये पार्ट जो है हमारा वो कौन सा पार्ट था? 10वां पार्ट। तो हमने जो पिछला जो 10वां पार्ट जो पढ़ा था वो 10वां पार्ट था हमारा किसके बारे में? अंड जनन के बारे में। तो आपको जो पिछला जो पार्ट था, पार्ट 10, देखो आपको दो वीडियो में पार्ट 9 लिखा हुआ होगा, तो जो पार्ट 10 जो है हमारा उसमें हमने क्या पढ़ा है? अंड जनन के बारे में पढ़ा है। जो कल पढ़ा था पार्ट 10 उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा है? अंड जनन के बारे में, अंड जनन। तो जो अंड जनन वाला जो पार्ट है हमारा, कौन सा पार्ट? जो अंड जनन वाला हमारा जो पार्ट है वो हमारा पार्ट है कौन सा? पार्ट नंबर 10। तो हमारा जो पार्ट नंबर 10 है वो कौन सा है? अंड जनन वाला पार्ट है, उसको आप पढ़ना है पार्ट नंबर 10 जो हमने कल अध्ययन किया था। और आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर कौन सा है? 11वां पार्ट है। अब हमने अंड जनन की जो प्रक्रिया थी कल उसमें हमने पढ़ा था, देखो उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम हमारी जो आज की क्लास है वो देखते हैं कौन सी जो आर्त चक्र है, आर्तव चक्र जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। तो अंड जनन को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं जल्दी से। देखो, अंड जनन में हमने देखा था कि जो अंडजनन की प्रक्रिया है वो मादाओं में, अंडजनन और शुक्रजनन की प्रक्रिया लगभग समान होती है, लेकिन अंडजनन की प्रक्रिया में बताया गया था कि मादा में जो ये अंडजनन की प्रक्रिया है वो कब प्रारंभ हो जाती है? जब उसमें भ्रूण अवस्था में, यानी जब उसका मादा भ्रूण गर्भ अवस्था में होता है, और वो भी आपको बताया था कितने दिन का? जब 25 सप्ताह का होता है। कितना होता है? 25 सप्ताह का, 25 सप्ताह का भ्रूण होता है, उसी समय इसमें बनने क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन पष्ट की जो प्रोफेज पष्ट अवस्था है उस अवस्था में आकर के इनका ये जो विभाजन था वो अवरुद्ध हो जाता है। और कब तक रुका रहता है? जबकि वो महिला मादा यौवनावस्था में नहीं आती, तब तक उनका विकास हो क्या होता है? रुका हुआ रहता है। तो देखो, इसमें भी वही, सबसे पहले आपको आरेख बनाना है तो क्या बनाएंगे? जो लास्ट में आपको बता भी दिया था, गुणन प्रावस्था। और गुणन प्रावस्था के क्या दौरान क्या होंगे? बार बार समसूत्री विभाजन। क्या होंगे? बार बार समसूत्री विभाजन होंगे। और केवल संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये जो हमारी प्रावस्था थी इतनी, वो तो कौन सी थी? गुणन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था थी? गुणन प्रावस्था। अब उसके बाद में देखा था हमने क्या? वर्धी प्रावस्था। देखो, वर्धी प्रावस्था में क्या हो रहा था? ये जो बन गए थे इनको बोला था हमने क्या? उगोनिया। क्या कहा था? उगोनिया। ये उगोनिया बन गए थे हमारे पास। अब ये जो उगोनिया हैं वो क्या कर रहे थे? इनमें से एक जो है वो आकार में वृद्धि, क्या कर रहा था? आकार में वृद्धि कर रहा था। और जो ये आकार में वृद्धि कर रहा था उसको हमने क्या कहा था? प्राथमिक कोशिका कहा था, प्राथमिक कोशिका। और उस प्राथमिक कोशिका के चारों ओर जैसे ही अन्य कोशिकाएँ जो थी, अन्य जो कोशिकाएं थी जो इसके चारों ओर ऐसी संरचना बना रही थी कणिका में, जिसको हम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा स्तर कह रहे थे, ऐसा स्तर बन रहा था जिसको हमने क्या कहा था? प्राथमिक पुटक। फिर प्राथमिक पुटक से हमारे पास बन गया था द्वितीयक पुटक, द्वितीयक पुटक से हमारे पास बना था तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक किसमें बदला था? परिपक्व ग्राफियन पुटक में बदला था। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्टली में देखते हैं। अब इसमें जैसे ही विभाजन होगा,
और वो विभाजन होगा तो पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे दो असमान आकार की कोशिकाएं बनेंगी, एक बड़े आकार की कोशिका और एक छोटे आकार की कोशिका। ये प्राथमिक ऊतक से जो होती, अब ये हमारा द्वितीयक ऊसाइट बन गया। क्या बन गया? द्वितीयक ऊसाइट। द्वितीयक ऊसाइट या जिसको बोल सकते हैं द्वितीयक अंडक, ये द्वितीयक अंडक का निर्माण हो गया। अब इस द्वितीयक अंडक में क्या होगा? फिर से अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा? सेकंड। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से फिर से एक बड़ी कोशिका और एक छोटी। ये क्या था हमारा? प्राथमिक पीत पिंड। क्या बना था? प्राथमिक पीत प्राथमिक पीत पिंड बना था। और ये तीनों जो थे हमारे, ये क्या थे? द्वितीयक पोलर का या द्वितीयक पीत पिंड? द्वितीयक पीत पिंड। और ये जो था हमारा वो क्या था? हमारा अंड। क्या बन गया था? अंड। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया था कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड था हमारा, अर्धसूत्री जो सेकंड विभाजन था वो कब होगा? निषेचन से तुरंत पहले। और ये कौन सा था हमारा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो ये जो क्रियाएं थी वो हमने कल पढ़ ली थी। अब क्या पढ़ते हैं हम, किसके बारे में पढ़ते हैं वो देखते हैं। हमारा जो रज चक्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? रज चक्र के बारे में पढ़ते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या हिंदी में उसको हम आर्तव चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्तव चक्र भी कहते हैं। उसके बारे में हम आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में करेंगे? आर्तव चक्र के बारे में। तो देखते हैं क्या है ये। देखो, रज चक्र या जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, या इसी का जो नाम है वो होता है क्या? आर्तव चक्र, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है आपकी आर्तव चक्र, यानी आर्तव चक्र भी लिखा हुआ हो सकता है। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्राइमेट्स स्तनियों में, किसमें? प्राइमेट्स स्तनियों में। अब प्राइमेट्स स्तनियों में कौन आता है? देखो, बंदर, कपी और मनुष्य। यहाँ पर ये शब्द है प्राइमेट्स स्तनियों में। तो प्राइमेट्स स्तनी जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? बंदर, मनुष्य, ये प्राइमेट्स स्तनी हैं जिनमें क्या पाया जाता है, यानी इनमें वर्ष पर्यंत, क्या कह रहे हैं? इनमें वर्ष पर्यंत क्या होती है? जनन करने की क्षमता होती है। इनमें क्या होती है? वर्ष पर्यंत जनन करने की क्षमता पाई जाती है। जनन करने की क्षमता पाई जाती है, अर्थात इनमें जो मादा है वर्ष पर्यंत नर के साथ सहवास करने की स्वीकृति प्रदान करती है। यानी कोई इसमें मौसम विशेष या कोई ऋतु विशेष नहीं होता है। जबकि हम एक और देखते हैं, उसको बोलते हैं क्या? देखो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, एक और आता है, वो होता है मध्य चक्र। क्या होता है? मध्य चक्र। मध्य चक्र या कामोन्माद चक्र होता है, ये हमारे जो जैसे पशु हैं उनमें पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? एक विशेष मौसम के द्वारा ही या एक विशेष ऋतु में ही क्या होती है? मादा नर को क्या देती है? सहवास की अनुमति देती है। एक विशेष मौसम या एक विशेष ऋतु में ही सहवास की अनुमति देती है। जबकि जो हमारे मनुष्य है उसमें पाया जाता है कौन सा? रज चक्र। कौन सा पाया जाता है? रज चक्र पाया जाता है।
और रज चक्र का मतलब होता है कोई विशेष ऋतु, कोई विशेष मौसम नहीं, हर मौसम में हर समय क्या कर सकते हैं, वो जनन कर सकते हैं। तो ये विशेषता हुई प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में या मध्य चक्र और रज चक्र में। अब आगे देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमारा कि ये जो हमारा कौन रज चक्र है वो सामान्यतः स्त्रियों में रज चक्र को पूर्ण होने में कितना समय लगता है, 28 दिन का। ये ध्यान रखना कि रज चक्र जो मनुष्य में पूरा होता है उसमें सामान्यतः कितना समय लगता है, 28 दिन का समय लगता है, 28 दिन का समय लगता है। इस चक्र की शुरुआत मादाओं में 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच में होती है, यानी इस चक्र की जो शुरुआत है वो मादाओं में 10 से 14 वर्ष की उम्र में हो जाती है। और 10 से 14 वर्ष की उम्र में जब ये चक्र प्रथम बार आता है या पहली बार प्रारंभ होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, रजोदर्शन। क्या कहते हैं उसे, रजोदर्शन कहते हैं। देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट परिभाषा है रजोदर्शन, एक नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है, पहले बता भी दिया इस पार्ट में एक नंबर का प्रश्न आएगा तो आपसे पूछा जा सकता है रजोदर्शन किसे कहते हैं, या एक शब्द होगा आपका जो आगे आ रहा है रजोनिवर्ति, रजो निवर्ति, रजोनिवर्ति। तो रजोदर्शन किसे कहते हैं और रजोनिवर्ति किसे कहते हैं, तो रजोदर्शन किसे कहा कि 10 से 14 वर्ष की उम्र में प्रथम बार आए रज चक्र को, 10 से 14 वर्ष की आयु में प्रथम बार आए रज चक्र को रजोदर्शन कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। और दूसरा फिर रजोनिवर्ति किसे कहते हैं कि 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद स्त्रियों में जो रज चक्र समाप्त हो जाता है या जो अंतिम रज चक्र होता है उसे बोलते हैं रजोनिवर्ति। तो ये रजोनिवर्ति हुई और ये हुआ रजोदर्शन। तो रजोदर्शन से लेकर रजोनिवर्ति इनके बीच का जो समय है वो कहलाता है क्या, जनन आयु। क्या कहलाता है, जनन आयु। तो आपको पूछा जा सकता है कि एक महिला कब तक जनन कर सकती है, तो क्या बताओगे, रजोदर्शन से लेकर रजोनिवर्ति के बीच, यानी महिला है वो 40 से 45 वर्ष या 45 से 50, देखो ये जो है उस उम्र तक ही वो जनन कर सकती है। जबकि एक पुरुष में एक बात कहें हम तो एक पुरुष है वो जीवन पर्यंत क्या कर सकता है, जनन कर सकता है, क्योंकि उसमें शुक्राणु निर्माण है वो जीवन पर्यंत होता रहता है। जबकि मादाओं में जो अंडाणु निर्माण है वो रजोनिवर्ति के साथ ही क्या हो जाता है, बंद। रजोनिवर्ति के बाद में उसमें अंडाणु निर्माण नहीं होता, इसका मतलब वो क्या नहीं कर सकती, जनन नहीं कर सकती, उनमें अब जनन नहीं होगा। कब, रजोनिवर्ति के बाद, यानी रजोनिवर्ति जैसे होगी तो उसमें जनन होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। देखो आगे क्या कह रहे हैं इसमें, देखो यही कह रहा है उसे रजोनिवर्ति कहते हैं। तो अभी देख लिया हमने रजोनिवर्ति किसे कहते हैं कि 50 से या 45 से 50 वर्ष की आयु में रज चक्र की जो समाप्ति है या जो रज चक्र अंतिम बार जो रज चक्र आया है उसे ही हम क्या कहते हैं, रजोनिवर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोनिवर्ति कहते हैं। अब देखो जनन आयु, देखो यहाँ से तीन परिभाषाएं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जो इससे बन रही हैं। एक चीज़ आई आपकी जनन आयु किसे कहते हैं, एक आई आपकी रजोनिवर्ति, रजोनिवर्ति किसे कहते हैं, और एक आया आपका रजोदर्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले रजोदर्शन किसे कहते हैं, तो क्या करेंगे आप उसका आंसर कि 10 से 14 वर्ष की आयु में मादा में प्रथम बार आए रज चक्र को रजोदर्शन कहते हैं। फिर दूसरी परिभाषा रजोनिवर्ति किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे 45 से 50 वर्ष की आयु में रज चक्र की समाप्ति को रजोनिवर्ति कहते हैं। फिर आया जनन आयु, तो जनन आयु क्या कहेंगे, सीधा सा जनन आयु की मादाओं की जनन करने की जो आयु है वो जनन आयु कहलाएगी, और ये कब से कब तक होती है, रजोदर्शन से रजोनिवर्ति तक की अवधि, यानी रजोदर्शन से लेकर रजोनिवर्ति के बीच की जो आयु है वो मादाओं की क्या कहलाती है, जनन आयु कहलाती है। क्या कहलाती है, मादाओं की जनन आयु कहलाती है। आगे देखो अब गर्भावस्था के दौरान इम्पोर्टेंट चीज़ की जैसे ही गर्भधारण हो जाता है ये जो हमारा रज चक्र है
वो क्या हो जाता है, अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। यानी जैसे ही गर्भधारण हो गया, प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो हो गई, तो उसके दौरान अगला जो मासिक चक्र आएगा वो बंद हो जाएगा। जब तक कि वो गर्भधारण करती रहे करेगी तब तक उसमें रज चक्र नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, रज चक्र का बंद होना, यहाँ पर ध्यान देना, रज चक्र का बंद होना गर्भधारण का संकेत है। यानी रज चक्र का स्थायी रूप से बंद होना किसकी ओर संकेत करेगा, गर्भधारण की ओर, क्योंकि रज चक्र जो है वो केवल गर्भ अवस्था के दौरान ही क्या होता है, बंद होता है, वरना यह हमेशा हर मासिक चक्र के दौरान चलता रहता है। और इसका जो नियमन है वो FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोनों के द्वारा इसका नियमन होता है, जो कि हम आगे इसमें पढ़ेंगे इसका हार्मोनल नियमन, यानी हार्मोन कैसे नियम करते हैं। अब देखो, इसमें रज चक्र के दौरान जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है, ऋतु स्राव पाया जाता है, मेंसेज होता है। देखो क्या करें, रज चक्र के दौरान ऋतु स्राव, जिसको स्राव जो योनि मार्ग से बाहर निकलता है उसको बोल रहे हैं, ऋतु स्राव पाया जाता है, और इस ऋतु स्राव में एक अनियमित अंतराल के बाद स्त्री की योनि से रक्त, श्लेष्मा, एंड्रोमेट्रियम की कोशिकाएं शरीर से बाहर त्यागी जाती हैं। यानी एक नियमित अंतराल के बाद में शरीर से, यानी स्त्री की योनि से होते हुए कौन कौन बाहर आता है, देखो जो ऋतुस्राव उसमें क्या क्या छोड़ा जाता है, देखो ध्यान देना कि महिलाओं में ऋतुस्राव के दौरान कौन कौन से पदार्थ बाहर त्यागे जाते हैं, तो आएगा देखो रक्त, श्लेष्मा, एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं। रक्त, श्लेष्मा और एंडोमेट्रियम, ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या कार्य करती हैं, रक्त स्राव के दौरान शरीर से बाहर निकाली जाती हैं। और कहाँ से निकाली जा रही हैं, योनि मार्ग से। कहाँ से निकाली जाती हैं, योनि मार्ग से बाहर निकाली जाती हैं। और ये जो ऋतु स्राव का समय है वो कितने दिनों तक रहता है, 4 से 5 दिन तक लगातार होता है। और इसमें प्रतिदिन कितना स्राव बाहर निकाला जाता है, तो आएगा आपका आंसर 25 से 65 मिली स्राव। यानी एक महिला जो है वो प्रतिदिन 25 से 65 मिली स्राव है वो बाहर शरीर से निकालती है। तो ध्यान देना इसमें से, देखो आपको क्या क्या प्रश्न हो रहा है, देखो कि रक्त स्राव में कौन कौन से पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, रक्त स्राव कितने दिन बाद आता है, तो 28 दिन बाद, क्योंकि ये पूरा चक्र है वो महीने भर में पूरा होता है। इसमें एक तो आता है रक्त, श्लेष्मा और एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं, कितने दिनों तक होता है, तो आपका आंसर होगा कितना, 4 से 5 दिन तक रहता है। प्रतिदिन कितना स्राव बाहर त्यागा जाता है, तो 25 से 65 ml जो स्राव है वो शरीर से बाहर त्यागा जाता है, बाहर छोड़ा जाता है। इसके बाद में हम इसकी जो अवस्थाएँ हैं, इसकी जो पूरा चक्र पढ़ेंगे, तो पूरा चक्र हम 4 अवस्थाओं में पढ़ेंगे। कितनी अवस्थाओं में पढ़ेंगे, 4 अवस्थाओं में पढ़ेंगे। तो वो 4 अवस्थाएं देखो कौन कौन सी हैं, इसका जो अध्ययन कर रहे हैं हम, इसका क्या करें, अध्ययन कर रहे हैं, तो वो अध्ययन में देखो हम सबसे पहले इस चक्र का जो अध्ययन है वो निम्न 4 प्रावस्थाओं में किया जाता है। इसकी पहली प्रावस्था है प्रचुरोध भवन प्रावस्था, फोलिकल जिसको बोलते हैं, फोलिकल फैटी फेज, यानी इसको हम बोल सकते हैं पुट्टिका प्रावस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो, पुट्टिका प्रावस्था। क्यों, क्योंकि इसी में प्राथमिक पुट्टक से क्या बनेगा, ग्राफियन पुट्टक बनेगा। प्राथमिक पुट्टी बनेगा प्राथमिक से द्वितीयक, और द्वितीयक से ग्राफियन पुट्टक, और ग्राफियन पुट्टक के फटने की जो क्रिया है वो दूसरे में आ जाएगी, उसे बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग के बाद में हमारी जो तीसरी अवस्था होगी वो श्रावण या ल्यूटियल प्रावस्था। इसको ल्यूटियल प्रावस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रावस्था के दौरान किसका निर्माण होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, इसलिए इसे ल्यूटियल प्रावस्था कहते हैं। और लास्ट है रक्त श्रावण प्रावस्था, कि अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये बनी हुई जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो निष्क्रिय कॉर्प एल्बिकेंस में बदल जाएगी, और रक्त के स्राव के दौरान अगला जो हमारा रज चक्र है वो वापस
चालू हो जाएगा, श्रावण प्रावस्था प्रारंभ हो जाएगी। तो ये हमारी रक्त प्रावस्था है। देखो इस इन प्रावस्थाओं को मैं आपको शॉर्टली में यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान देना कि जो ये हमारा जो ये जो चक्र है हमारा वो होता है 1 से लेकर 28 दिन तक। अब मान लिया कि जो रक्त स्राव प्रावस्था थी हमारी वो 1 से लेकर 4 या 5 दिन तक, यहाँ पर जो हमारी अवस्था है वो है हमारी कौन सी, रक्तस्रावी अवस्था। उसके बाद में ये इसके जो मध्य में है 14वें नंबर पर, वो इसकी आती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। और उसके बाद में इसकी जो अवस्था आती है वो आती है कॉर्पस ल्यूटियम प्रावस्था। तो देखो पहली ये जो अवस्था आई हमारी जिसको हम लास्ट में पढ़ रहे हैं सबसे, वो है रक्तस्रावी प्रावस्था। क्या है? रक्तस्रावी प्रावस्था जो कितने दिन की होती है, 4 से 5 दिन की। फिर उसके बाद में ये जो प्रावस्था है यहाँ से यहाँ तक की 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक की, वो होती है हमारी पुट्टिकीय प्रावस्था, पुट्टिकीय प्रावस्था। और इस प्रावस्था के दौरान वो विभिन्न परिवर्तन, यानी जो हमारा प्राथमिक पुट्टक है वो द्वितीयक पुट्टक में बदलेगा, द्वितीयक पुट्टक तृतीयक में बदलेगा, फिर ग्राफीन पुट्टक में बदलेगा, और फिर 14वें दिन की जो अवस्था होगी वो हमारी होगी अंडोत्सर्ग। कौन सी होगी? अंडोत्सर्ग प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। और उसके बाद में ये होगी हमारी ल्यूटियल प्रावस्था, या इसको अंडोत्सर्ग पश्च प्रावस्था भी बोलते हैं। और इसको हम श्रावण प्रावस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे विभिन्न हार्मोनों का क्या होता है, स्राव होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो 28 दिन का वर्गीकरण है वो होता है। अब इसको हम डिटेल से इन सभी को क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करना चाहेंगे यहाँ से पुट्टकीय प्रावस्था, जिसको प्रचुरोध भवन प्रावस्था कहते हैं। प्रचुरोध भवन प्रावस्था यानी जो गर्भाशय का पूरा स्तर जो टूट गया था, यहाँ पर जो पूरा स्तर ऐसे पूरा जो मोटा स्तर था वो धीरे धीरे पतला हो गया था, वो वापस से दोबारा से बनना प्रारंभ होगा, पुट्टिकाएँ बननी प्रारंभ होंगी, फिर यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा, तो ये फिर से मोटा स्तर बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और फिर वापस अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये वापस क्या होना प्रारंभ हो जाएगा, टूटना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रियाएं हम पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, प्रचुरोध भवन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था पढ़ते हैं? प्रचुरोध भवन प्रावस्था पढ़ते हैं। देखो प्रचुरोध भवन प्रावस्था में क्या कह रहे हैं, सुनना, प्रचुरोध भवन प्रावस्था, इस प्रावस्था को पुट्टकीय प्रावस्था भी कहते हैं। आ गए ना, इस प्रावस्था को क्या बोलते हैं, पुट्टकीय प्रावस्था भी कहते हैं। इस प्रावस्था में क्या होता है, इस प्रावस्था में अंडाशय में ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण होता है। अंडाशय में किसका निर्माण होता है? ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण होता है। अब आपको बता दिया पहले ग्राफियन पुट्टिका कैसे बनती है, कि सबसे पहले प्राथमिक पुट्टक बनेगा। प्राथमिक पुट्टक किससे बना? उगोने के चारों ओर कणिका में स्तर से, कणिका में स्तर बड़ा हुआ तो द्वितीयक पुट्टक बन गया, और द्वितीयक जो पुट्टक था हमारा वो तृतीयक पुट्टक, और तृतीयक पुट्टक से किसका निर्माण हुआ था, ग्राफियन पुट्टक का। देखो कैसे इसमें दे रखा है, इस दौरान प्राथमिक ऊसाइट के चारों ओर ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की परत बन जाती है और इसे हम प्रारंभिक पुट्टक कहते हैं। देखो सुनना, प्रारंभिक पुट्टक किसे कह रहे हैं, ये था हमारा 2N। अब इसके चारों ओर देखो ग्रेनुलोसा स्तर, आपको ऐसे बताया था, ऐसा स्तर बन रहा है कणिका में स्तर, तो अब ये क्या बन गया, प्राथमिक पुट्टक। अब FSH के प्रेरण से, कौन से हार्मोन के प्रेरण से, FSH के प्रेरण से ये पुट्टक क्या करेगा, वृद्धि करेगा, आकार इसका क्या होगा, वृद्धि होगी। और इसकी वृद्धि होने से अब ये किस में बदल जाएगा, प्राथमिक पुट्टक का निर्माण, यानी ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, और इससे प्राथमिक पुट्टक का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, प्राथमिक पुट्टक का निर्माण हो जाता है। अब FSH के प्रेरण से क्या होगा, ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, और FSH के प्रेरण से अंडाशय में 6 से 12 प्राइमरी फोलिकल तेजी से वृद्धि करने लगेंगे। FSH के प्रेरण से एक अंडाशय में क्या होगा, 6 से 12 प्राइमरी फोलिकल, यानी प्राइमरी फोलिकल प्रारंभिक पुट्टक कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करने लगती हैं।
इसके पश्चात ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के बाहर एक मोटी परत थीका बन जाती है, बताया था इंटरनल थीका और एक्सटर्नल थीका, बाह्य थीका और आंतरिक थीका। अब थीका दो परतों से मिलकर बनी हुई है, आ गई ना, थीका कितनी परतों से, ये कल आपको समझा दिया, थीका कितनी परतों से मिलकर बनी होती है, थीका कौन सी होती है, तो थीका दो परतों से मिलकर बनी हुई होती है। बाहरी परत जो है, बाहरी परत को थीका एक्सटर्ना और भीतरी परत को क्या बोलते हैं, थीका इंटरना, क्या बोलते हैं, थीका इंटरना कहते हैं। अब देखो थीका एक्सटर्ना जो है वो पुटक के कैप्सूल का कार्य करती है, कैप्सूल का मतलब क्या होता है, संपुट, यानी उसको ढके रहने का, यानी पुटक इसके अंदर होगा और ये बाहरी थीका उसको क्या करी रहेगी, ढके हुए रहने का कार्य करेगी, सैंपल किसका, कैप्सूल का कार्य करेगी संपुट का। जबकि जो थीका इंटरना है वो क्या कार्य करती है, एस्ट्रोजन का श्रावण, जबकि इसकी जो आंतरिक थी, ये आंतरिक जो इंटरना थी का इंटरना थी वो क्या कार्य कर रही है, एस्ट्रोजन का श्रावण, क्या कार्य कर रही है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का श्रावण करती है, किसका श्रावण करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण करती है। उसके बाद में ग्रेनुलोसा कोशिकाओं द्वारा श्रावित पुटकीय द्रव है उसमें भी एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे क्या करें सुनना, ग्रेनुलोसा जो कोशिकाओं के द्वारा श्रावित पुटकीय द्रव में एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिक मात्रा पाई जाती है और इस द्रव के कारण एक गुहा का निर्माण हो जाता है, इसे हम एंट्रम कहते हैं, और गुहा युक्त इस पुटक को हम क्या बोलेंगे, वेसिकुलर पुटक कहेंगे, क्या कहेंगे, वेसिकुलर पुटक कहेंगे, या जिसको तृतीयक पुटक कह रहे थे हम, यानी देखो ये हमारा, अब इसमें ऐसी गुहा जिसको हमने बता भी दिया था आपको, एंट्रम गुहा, तो ये गुहा बन गई एंट्रम, ये भी किसके स्राव से बन रही है, एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव से बनी है, किससे बनी है, एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव से इसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, अब इस चक्र के छठे दिन सभी पुटकों में से क्या करता है, केवल एक पुटक जो है वो तीव्रता से क्या करता है, वृद्धि करने लगता है और परिपक्व पुटक में क्या हो जाता है, बदल जाता है, जिसे हम ग्राफियन पुट्टिका कहते हैं। तो परिपक्व पुटक ही क्या कहलाता है, ग्राफियन पुटक। देखो एक नंबर के प्रश्न में प्रश्न आ सकता है, ग्राफियन पुटक किसे कहते हैं, ग्राफियन पुटक किसे कहते हैं, ग्राफियन पुटक किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, परिपक्व जो पुटक होता है वही ग्राफियन पुटक कहलाता है। और जो शेष पुटक थे हमारे, शेष पुटक जो बचे बाकी, जो 10 से 12 वृद्धि कर रहे थे ना, 6 से 12 तक, तो उनमें से एक ही ग्राफियन पुटक में बदला है, बाकी जो शेष पुटक थे वो जीर्ण या हासित हो गए, यानी जीर्ण शीर्ण हो गए, नष्ट हो गए, हासित हो गए, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्ट्रिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रेशिया, एस्ट्रेशिया, एस्ट्रेशिया कहते हैं। तो एस्ट्रेशिया किसे कह रहे हैं, कि शेष बचे पुटकों का नष्ट होने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एस्ट्रेशिया कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रेशिया कहते हैं। उसके बाद में देखो क्या कह रहे हैं इसमें, प्रचुरोध जो भवन है वो प्रावस्था रक्त स्राव की समाप्ति से लेकर, यानी रक्त स्राव जैसे हमने बताया कि 1 से 4 या 5 दिन तक रहता है, तो उसके बाद से ये प्रारंभ होता है और कहाँ तक, अंडोत्सर्ग के बीच तक पाया जाता है। तो इस का जो समय है वो लगभग कितना होता है, 10 दिन का होता है, यानी जैसे 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक हम माने, तो इसमें कितना समय हो गया, लगभग 10 दिन का। और इस प्रावस्था के अंत में स्त्री के गर्भाशय का जो अंत है इस तरह कितना हो जाता है, 4 से 6 mm मोटा हो जाता है। यानी इस अवस्था में जो हमारा गर्भाशय का स्तर है, प्रचुरोध भवन यानी दोबारा से बन रहा है, तो 4 से 6 mm मोटा जो है वो हमारा गर्भाशय का स्तर है वो बन जाता है इस अवस्था के अंत तक। तो इस अवस्था के अंत तक गर्भाशय का स्तर कितना मोटा हो जाता है, 4 से 6 mm मोटा स्तर हो जाता है। उसके बाद में अगली जो प्रावस्था आती है हमारी, वो आती है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग किसे कहेंगे, देखो अंडोत्सर्ग अगली परिभाषा है हमारी, अंडोत्सर्ग अगली जो है हमारी वो आती है कौन सी, अंडोत्सर्ग। देखो पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है, प्रश्न बन सकता है, या फिर एक नंबर का, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, तो सीधी सी आपकी परिभाषा होगी, परिपक्व ग्राफियन पुटिका के फटने से, परिपक्व ग्राफियन पुटिका के फटने से द्वितीयक अंडक का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है।
मुख्य चीज़ तो ये आई परिभाषा इसकी। फिर अंड उत्सर्ग के लिए मुख्य हार्मोन कौन सा है, तो आपको आएगा LH हार्मोन। LH हार्मोन की जो अगर कमी हो गई तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा। अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला या अंडोत्सर्ग की क्रिया को संपन्न करने वाला हार्मोन होता है LH हार्मोन। देखो अंडाशय में ग्राफियन जो पुटक है उसमें पुट्टिका के निर्माण के बाद LH हार्मोन अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करता है और इस प्रावस्था में निम्न दो घटनाएं होती हैं। देखो पहले क्या होगा, थीका एक्सटर्ना द्वारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का श्रावण आरंभ हो जाता है। देखो थीका एक्सटर्ना कौन सी थी, बाह्य परत थी, तो वो क्या कार्य करेगी, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, कौन सा एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का स्राव करेगी और इसके स्राव से ग्राफियन पुटक की जो भित्ति है वो क्या हो जाएगी, क्षीण होगी, यानी ग्राफियन पुटक की भित्ति कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि कमज़ोर होगी तभी तो फूटेगी, तो ये कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद में देखो LH क्या कार्य करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिस के प्रेरण से प्लाज्मा का क्या हो जाएगा, अंतर प्रवाह है, और जिससे पुटक क्या हो जाएगा, फूल जाएगा और फटकर द्वितीयक अंडक त्याग देगा। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी परिपक्व ग्राफियन पुटक का फट करके द्वितीयक अंडक का बाहर निकालने की जो क्रिया है या बाहर त्यागने की जो क्रिया है वो अंडोत्सर्ग कहलाती है। और अंडोत्सर्ग है वो रज चक्र के लगभग मध्य में संपन्न होता है, कौन से दिन, लगभग 14वें दिन है वो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। तो पूछा जा सकता है अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, तो आपका आंसर होगा रज चक्र के मध्य में, लगभग कब, 14वें दिन है वो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अंडोत्सर्ग की क्रिया के लिए हार्मोन तो आपका आएगा LH हार्मोन। कहाँ से आता है LH हार्मोन, तो आपका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से आता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। अब आगे देखते हैं अगली प्रावस्था हमारी, ल्यूटियल प्रावस्था। देखो ल्यूटियल प्रावस्था या इसको श्रावण प्रावस्था भी बोलते हैं, यह अंडोत्सर्ग के बाद की प्रावस्था है जो लगभग 13 से 14 दिन की होती है। यानी 14वें दिन से लेकर 28वें दिन तक की आ गई, तो ये कितने दिन की होगी, लगभग 13-14 दिन की। इस प्रावस्था में चूंकि कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, अतः इसे ल्यूटियल प्रावस्था भी कहते हैं। यानी इस प्रावस्था को ल्यूटियल प्रावस्था क्यों कहते हैं, तो वह आएगा कार्पस ल्यूटियम का निर्माण। पूछा जा सकता है कि आर्तव चक्र की किस प्रावस्था में कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, तो आपका आंसर होगा कौन सी प्रावस्था में, ल्यूटियल प्रावस्था में या स्रावी प्रावस्था में कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा। देखो अंडोत्सर्ग की क्रिया के तुरंत बाद पुट्टिका जो थी उसमें रक्त भर जाता है, कि जो अंडोत्सर्ग, जैसे ये हमारी पुट्टिका थी, अब ये फटी, अंडाणु बाहर निकल गया, तो अब इसमें क्या भर गया करके, रक्त, क्या भर गया, रक्त भर गया, और ग्रेनुलोसा की जो कोशिकाएं वो आकार में वृद्धि हो जाती है और तथा इसमें वसीय पदार्थों का संग्रहण हो जाता है, और इसी समय कोशिकाएं पीले रंग की दिखाई देती हैं, और उसे ही क्या बोलते हैं हम, पीत पिंड, क्या कहते हैं उसे, पीत पिंड कहते हैं, पीत पिंड, या इस पीत पिंड को ही नाम देते हैं आगे कॉर्पस ल्यूटियम। पीत पिंडक को ही क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कोशिकाएं पीले रंग की दिखाई देती हैं, कैसी हो जाती है, पीले रंग की, इसलिए इसे अब पीत पिंडक या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पीत पिंडक कहते हैं या कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, कौन कर रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति, कॉर्पस ल्यूटियम, और इसके द्वारा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रोन हार्मोनों का स्राव किया जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का क्या करती है, स्राव करती है। अब ये क्या काम करते हैं, देखो प्रोजेस्ट्रोन जो हार्मोन है वो तो गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है। प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन क्या कार्य करता है, गर्भाशय को आरोपण के लिए क्या करता है, तैयार करता है, यानी गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन होता है। देखो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है। इस हार्मोन के प्रेरण से गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्तर, देखो एंडोमेट्रियम स्तर किसे कहते हैं, अंतःगर्भाशय स्तर को, किसको बोलते हैं, अंतःगर्भाशय जो स्तर है उसी स्तर को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम स्तर। तो गर्भाशय का अंतः स्तर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, किसके प्रेरण से,
प्रोजेस्टेरोन की प्रेरण से, तो पूछा जा सकता है किस हार्मोन के प्रेरण से गर्भाशय का अंतःस्तर मोटा हो जाता है, तो आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन, और अंतःस्तर एंडोमेट्रियम स्तर होता है। देखो आगे क्या करें, तथा रक्त का क्या हो जाएगा, संचार बढ़ जाता है और इस दौरान गर्भाशय की कोशिकाओं में वसा और ग्लाइकोजन का क्या हो जाएगा, संचय यानी अतिरिक्त भोज्य पदार्थों का संचय हो जाएगा। यदि अब देखो क्या करें, यदि इस समय निषेचन की क्रिया हो जाती है तो रज चक्र क्या हो जाएगा, इसी प्रावस्था में निलंबित हो जाएगा यानी अस्थायी रूप से रुक जाएगा। कब, अगर निषेचन हो गया तो, और अगर निषेचन नहीं हुआ, और अगर क्या है निषेचन नहीं हुआ, यदि निषेचन नहीं होता है तो हमारी ये कॉर्पस ल्यूटियम बनी थी वो निष्क्रिय कॉर्प एल्बिकेंस में बदल जाएगी, निष्क्रिय कॉर्प एल्बिकेंस में बदल जाएगी और रक्तचक्र अगली प्रावस्था में प्रवेश कर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कौन सी प्रावस्था, रक्त श्रावण प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था बोलते हैं, रक्त श्रावण यानी रक्त का स्राव होने वाली जो प्रावस्था है उसमें हमारा ये चक्र आगे प्रवेश कर जाएगा, दोबारा से रक्त श्रावण प्रावस्था है वो हमारी प्रारंभ हो जाएगी। तब यदि निषेचन नहीं होगा तो, निषेचन हो गया तो चक्र यहीं पर क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। और यही तो आर्तव चक्र का स्थायी रूप से बंद होना अभी मैंने बता दिया क्या होता है, गर्भधारण की ओर संकेत करता है। तो आगे देखो हमारी जो लास्ट प्रावस्था है इसकी, वो प्रावस्था है कौन सी, रक्त श्रावण प्रावस्था। देखो रक्त श्रावण प्रावस्था, यदि निषेचन नहीं हो पाता तो जो उक्त यानी जो बनी हुई कॉर्पस ल्यूटियम थी वो एक निष्क्रिय रचना में बदल जाती है, और उस निष्क्रिय रचना को क्या बोलते हैं, कॉर्प एल्बिकेंस, कॉर्प एल्बिकेंस। तो पूछा जाता है कॉर्प एल्बिकेंस क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा कि अगर निषेचन नहीं हुआ तो बनी हुई कॉर्पस ल्यूटियम एक निष्क्रिय संरचना में बदल जाती है, और उस निष्क्रिय संरचना को क्या बोलते हैं, कॉर्प एल्बिकेंस कहते हैं। इसके बाद में देखो क्या कह रहे हैं, इसके बाद में प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन की जो सांद्रता है वो घटने लगती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की सांद्रता फिर क्या हो जाएगी, घटने लगती है, और यह प्रावस्था कितनी दिन तक रहती है, 4 से 5 दिनों तक की होती है। कितनी दिनों तक की होती है, 4 से 5 दिनों तक होती है। इस प्रावस्था के दौरान स्त्री के योनि से लगभग कितना, अभी मैंने पहले बता दिया कितना, 25 से 65 मिली रक्त की हानि होती है, और रक्त के साथ क्या क्या होता है, उत्तक द्रव्य, सलेष्मा, एंडोमेट्रियम स्तर की कोशिकाएं, जो गर्भाशय का अंत स्तर मोटा हुआ था ना वो वापस टूट जाएगा, और उसकी टूटी हुई जो कोशिकाएं हैं वो बाहर त्याग दी जाती हैं, और यह स्राव 4 से 5 दिन तक जारी रहता है, और यह स्राव स्त्री के योनि से होकर जनन छिद्र द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह हमारी रथ चक्र की 4 प्रावस्थाएँ बटी, सबसे पहले पुट्टी का प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था हमने अंडोत्सर्ग पढ़ी, तीसरी जो प्रावस्था थी वो ल्यूटियल प्रावस्था पढ़ी, और चौथी प्रावस्था जो है हमने वो पढ़ी रक्तस्राव प्रावस्था। ये रथ चक्र की 4 प्रावस्थाएँ हमने पढ़ ली हैं। अब देखो इन 4 प्रावस्थाओं का जो चित्र बनाकर दिया हुआ है किताब में वो देख लेते हैं किस प्रकार से है। देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो ये सबसे पहली जो ऋतुस्राव या रजोधर्म प्रावस्था है जो हमारी कितनी दिनों की होती है, देखो 1 से लेकर 4 या 5 दिन तक की, यहाँ तक ये जो है देखो रजोदर्शन या मासिक धर्म जो माहवारी बोलते हैं उसको, वो प्रावस्था है। इसके दौरान बाहर निकलता है रक्त शरीर से, और जो एंडोमेट्रियम स्तर था वो क्या हो गया, टूट गया। अब उसके बाद में एंडोमेट्रियम स्तर देखो यहाँ तक 14वें दिन तक, जिसको हम पुट्टकीय प्रावस्था कहते हैं, उस प्रावस्था में ये जो हमारा स्तर है वो धीरे धीरे वापस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद में हमारी अंडोत्सर की क्रिया हो गई मध्य में, और अंडोत्सर की क्रिया के दौरान देखो अंडासी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वो भी उच्चतम स्तर पर होते हैं, और LH सर्ज बोलते हैं, LH हार्मोन की अधिकतम सांद्रता होती है, यहाँ पर अधिकतम सांद्रता होती है उसको बोलते हैं LH हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है, और ये हमारे अंडाशय के हार्मोन है, जिनकी भी देखो सांद्रता क्या हो रही है, अधिकतम सांद्रता होती है अंडोत्सर के समय, और उसके बाद में इनकी सांद्रता वापस घट जाती है। और ये हमारी पुट्टक में देखो, ये पुट्टक दा फिर ये ऐसे वृद्धि कर रहा है, ये धीरे धीरे परिपक्व पुट्टक में बदला, परिपक्व पुट्टक से ये अंडोत्सर्ग हो गया, अंडा बाहर निकल गया, इसमें रक्त भर गया, और ये किस में बदल गया, पीत पिंड में बदल गया, और ये पीत पिंड अगर निषेचन हुआ तो हासित हो गया। और
इसमें जो हमारी ल्यूटियल प्रावस्था आती है उसमें पीत पिंड के द्वारा हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम और गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम स्तर है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर निषेचन हो गया तो हमारी ये बनी हुई कॉर्पस ल्यूटियम है वो काम में आ गई, और अगर नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, खासित हो जाएगी और कॉर्प एल्बिकेंस में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी और हमारा जो अगला चक्र है वो वापस क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ तक की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने किसके बारे में पढ़ लिया, रज चक्र के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसमें देखेंगे कि जो रज चक्र है हमारा उसको कौन कौन से जो हार्मोन है वो रज चक्र को नियंत्रित करते हैं और कौन से जो कारक हैं वो रज चक्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो रज चक्र को प्रभावित करने वाले कारक और रज चक्र का हार्मोनों के द्वारा नियंत्रण, ये हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।